मुख्यमंत्री बादल के सलाहकार रह चुके महेश इंद्र सिंह गरेवाल ने आज इंटरव्यू के दौरान पूर्व एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ को आड़े हाथों लिया। देखो मक्कड़ साहब से मैंने एक बात कही थी परसों प्रेस के कि मक्कड़ साहब बहुत जिम्मेवारी की सेवा निभा चुके हैं और उस वक्त सभा निभा चुके जहाँ बहुत धार्मिक काम था और उन्होंने उस अपने अहदे का पूरा फायदा भी लिया, बहुत मौजें की। मक्कड़ साहब अब आराम करने की उम्र थी, वो गलत कर रहे हैं और वो उन लोगों से मिलकर कर रहे हैं जिनका श्रोमणी अकाली दल से और पंथ से और ग्रंथ से कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने यही कहा था कि जिस थाली से खाएं उसमें छेक नहीं करते। मक्कड़ साहब को इसके बात का बुरा लगा, चूंडी लगी और वो बोल रहे हैं कि महेश इंद्र सिंह को मैंने सेक्रेटरी से निकाला था, इसके पैसे वसूल किए थे। मैं मक्कड़ साहब किसी के पैसे मारे नहीं, मैंने किस्त दी आपका, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। और आज चैलेंज करता हूँ मक्कड़ साहब को कि मेरा या मेरे परिवार का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गोलक से एक पैसे की चोरी का भी इल्ज़ाम हो, मैं वो 10 गुना पूरा करूँगा और राजनीति से संन्यास लूँगा, पर आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। तो मसाला खा लिया कहीं ना कहीं, हाँ आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा मक्कड़ साहब कि आपने 10 साल में कितने परिवार के जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अदारों में नौकर लगवाए और बिना जाब्ते के नौकर लगाए और बिना क्वालिफिकेशन के नौकर लगाए। क्यों लगाए? क्यों सिख पंथ में कोई लोड़वंद कोई एजुकेटेड और लोग नहीं थे? और आपको ये भी बताना पड़ेगा मक्कड़ साहब कि लोग जानते हैं कि खर्चा आपका कहाँ से होता था। मैं बोलना नहीं चाहता, लोग पूछेंगे। अगर मक्कड़ साहब चाहेंगे तो मैं मक्कड़ साहब से चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ वो अपना चुने स्थान पे डिबेट रख लें, मेरे से वो जितने सवाल चाहे मर्जी पूछे, हर का जवाब ना दूँ, तसल्ली ना हो मीडिया की तो मैं दोषी। मैं उनसे सिर्फ 5-5 सवाल पूछूंगा और 5 में से एक का भी वो जवाब दे जाए, एक का भी जवाब दे जाए तो मैं अपने आप को गलत समझूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये भी मानना है कि उन्होंने 2-10-11 साल जो भी देखो भी ये मेरे कहने की बात नहीं, मक्कड़ साहब पब्लिक में रहते हैं। मक्कड़ साहब मेरा ख्याल 2002 में लुधियाना पश्चिमी से इलेक्शन लड़े थे अकाली दल की टिकट पे। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया होगा उस समय कि मेरी जायदाद क्या है, वो एफिडेविट की जायदाद देख लें और आज की जायदाद देख लें। अगर तो उतनी है और उससे कम हुई है तो मक्कड़ साहब ईमानदार है, अगर उससे कोसों ज्यादा हो गई है तो फिर उनको बताना पड़ेगा ना। आपको क्या लग रहा है इस समय कितने करोड़ों के जो है वो इस समय? मैंने असेस नहीं कराई पर आप सुन के हैरान हो जाएंगे अगर देख लेंगे, उनको ही बोल दो। आप आज आप अनुमान लगा के चले? मैं अनुमान मैं कोई नहीं लगाता हूँ, अनुमान नहीं, मैं जब प्रेस को बताऊंगा कागजात बताऊंगा और पूछूंगा कि कैसे आए, बस बताऊंगा जरूर। अगर वो मक्कड़ साहब चाहते हैं ये चीज मेरे को मजबूर करेंगे, मैं उनसे बहुत निम्रता से बात करता हूँ। मैं उनका बहुत काफी इल्जाम लगा रहे हैं जी। नहीं इल्जाम तो लगा दे मेरे को, मैं तो 2 बातें पूछता हूँ, मेरे पास आके कह दे। 2 दफा लड़के को इधर वार्ड से काउंसलर बनाया, मेरे पास आए कि नहीं आए? मैं टिकट किसी अपने आदमी के लिए मांग रहा था, उन्होंने क्या कहा? जब दूसरी दफा बेटा इलेक्शन लड़ा तो पूछो, जब लोग नाराज थे तो कह रहे थे गरेवाल को वोट डालनी है, आप मेरे को नहीं डालनी, आपका ये गरेवाल का बेटा है, मेरा बेटा नहीं। मैं कहा नहीं मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है, पर क्योंकि आप पार्टी का उम्मीदवार मैं इसकी मदद करूंगा। और पूछ लिए, मैं इसी बात भी कहता हूं, मक्कड़ को पूछ लीजिए उसका क्या धर्म है, पूछे इस दफा भी अपनी नोह को टिकट दवाने के लिए आए कि नहीं आए 69 नंबर वार्ड से? फिर आप ही भागे टिकट से कि लोग कहते हैं कि नहीं हम वोट नहीं डालेंगे, मक्कड़ साहब आपके जो काम है हम उनसे शर्मिंदा हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये सीट अकाली दल को किसी को ना देना, मेरे को लोग जवाब मांगे कि आप क्यों नहीं लड़े, तो ये सीट बीजेपी को दे देना, उनके आंखे पर बीजेपी को भी दी है। मक्कड़ साहब तो मैं अभी बहुत कुछ कह सकता हूँ ना, कहना नहीं चाहता क्योंकि वो उम्र से मेरे बड़े हैं और अगर जो कुछ सामने मैं बातें की ना तो शायद उनको लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मक्कड़ साहब ढके रहिए, ढके रहिए, पता है लोगों को कि छज कौन है छाननी कौन है। महेश इंद्र सिंह का मूंह ना खलो। महेश इंद्र तो मैनू सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं। गुरु नानक देव जी ने कॉलेज से अडिशनल सकत्र से अडिशनल सकत्र और इन्हें बदतमीजी के लफ्ज़ बोले साड़ी एक प्रिंसीपल नू जो बजट पेश कर रही थी तो मैं उन्होंने उस मीटिंग चो नहीं कढ़िया, मैं उन्होंने अडिशनल सकत्री तो कट के बाहर मारिया। मेरे सामने एक 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 एक, एक मसला रख दे महेश इंद्र जरा अपने आप में बहुता व्डा सलाहकार गिणदा ना, ये सिर्फ चापलूस है, चुगलखोर है,
ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ।